लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस में इन दिनों टिकट वितरण का दौर चल रहा है और इसी दौर में अभी तक अलवर लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी तय नहीं किए गए हैं, लेकिन संभावित एक प्रमुख दावेदार का विरोध भाजपा में अभी से ही शुरू हो चुका है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पंडित धर्मवीर शर्मा ने बाबा बालकनाथ की दावेदारी को पार्टी के लिए नुकसान करने का बताया है। दो बार जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मवीर शर्मा ने कहा कि अलवर में बाबा रामदेव और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के कारण पार्टी को विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हुआ था और अब भी बाबा बालकनाथ को लेकर ये सक्रिय है। यदि बालकनाथ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के दिलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। गौरतलब है कि बाबा रामदेव और योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद बाबा बालकनाथ को मिला हुआ है और इस स्थिति में अलवर लोकसभा सीट से बालकनाथ का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। बाबा रामदेव ने पहले भी अलवर को बहुत बड़ा झटका दिया जी। उनकी मजबूरी में बाबा चांदनाथ को लोकसभा का टिकट दिया पार्टी ने। जनता ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल पर पत्थर रखकर उनको जिता दिया जी। लेकिन उन्होंने जनता के बीच में क्या किया ये सब जानते हैं जी। उन्होंने अपने फंड का पैसा भी विधायकों के कहने से या अपने किसी आदमी के माध्यम से या पार्टी के किसी संगठन की दृष्टि से, बावजूद इसके कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उनको कई बार कहा, उन्होंने उसका भी उपयोग जनता के हित में नहीं किया जी। ऐसी परिस्थिति में जो उपचुनाव में परिणाम हुआ उसका भी मूल कारण ये रहा जी। और उसके बाद जनता के बीच में भारी रोष, मीडिया के बीच में भारी रोष रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी आत्मा में ये दबाव रहा और घायल आत्मा से पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते रहे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।